तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे फिर से जीके और साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अगर देखें तो दोस्तों इतिहास से लिया है मैंने, ठीक है, विश्व इतिहास की झलक, ठीक है, के रचयिता कौन है दोस्तों। तो ये आपके ऑप्शन है दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है, तो यह जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने दोस्तों इनकी रचना की है, ठीक है। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ, नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा और एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था, यहां पर आपके चार ऑप्शन है, दीजिए अपना राइट आंसर दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी अली बंधुओं ने। देखिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो आरंभ किया था, शुरुआत की थी दोस्तों, वो थे अली बंधु, ठीक है, अली बंधुओं ने दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लगाना दोस्तों, ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे मुझे पता है, तो अली बंधुओं ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो यहां पर आपके चार ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा अधिनियम के तहत, तो आप बताइए। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, 1857 में क्रांति हुई दोस्तों, 1858 में एक अधिनियम आ गया भारत सरकार अधिनियम, और इसके तहत दोस्तों भारत में सचिव का पद दोस्तों निर्मित किया गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, 1857 की क्रांति से इसको रिलेट करके याद करना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, तो यहां पर चार आपके ऑप्शन है दोस्तों, दीजिए राइट आंसर। ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को, ठीक है दोस्तों, तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किसको, धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों को, ठीक है, ये ध्यान रखें दोस्तों। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था, तो यहाँ पर आपको ईयर बताना है 1953, 1956, 1960, 1966, तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी 1956 में। देखिए दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिशें थी उसके अनुसार दोस्तों भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन किया गया, तो दोस्तों ये 1956 में शुरू हुआ था, ठीक है, यानी कि पूरा हुआ था, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, तो यहां पर आपको देश बताना है, रूस, यूएई, इंग्लैंड, जर्मनी, तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इंग्लैंड। देखिए दोस्तों भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है, तो ये इंग्लैंड को किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों सौर मंडल के हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यहां पर आपके ऑप्शन है, दीजिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन डी निकोलस कोपरनिक्स। देखिए दोस्तों निकोलस कोपरनिक्स के द्वारा ही बताया गया कि सौरमंडल के हीलियोसेंट्रिक मॉडल को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोपरनिक्स हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों प्लूटो के चांद का नाम क्या है, तो अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन ए चेरोन। देखिए दोस्तों जो प्लूटो है उसके चांद का यानी कि उसके उपग्रह का नाम दोस्तों चेरोन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए, 3 सेकंड आपको मिलते हैं। ऑप्शन डी टिटिकाका। देखिए दोस्तों टिटिकाका झील है, इसको हनीमून लेक भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, टिटिकाका हनीमून लेक हो जाएगी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, दीजिए अपना राइट आंसर अगर आपको पता है तो। ऑप्शन सी नेफोस्कोप। क्या हो जाएगा दोस्तों, नेफोस्कोप हो जाएगा, जो जिससे हम दोस्तों बादलों की दिशा और उसकी गति को मापते हैं कि बादल अभी किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पे वर्षा होने वाली है, तो दोस्तों इसको मौसम का जो अनुमान लगाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा इसको यूज करते हैं, तो नेफोस्कोप हो जाएगा दोस्तों, जिससे बादलों की दिशा और गति को मापते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, दीजिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता। देखिए दोस्तों सिस्मोग्राफ जो है ना वो भूकंप की तीव्रता नापता है,
ठीक है, इंटेंसिटी अर्थक्वेक की, तो दोस्तों सिस्मोग्राफ हो जाएगा जो भूकंप की तीव्रता नापता है यानी कि इंटेंसिटी नापता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो दोस्तों यहां पर आपके चार ऑप्शन है, दीजिए राइट आंसर। ऑप्शन ए मंदक, देखिए दोस्तों मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है भारी जल का नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, यहां पर आपके चार ऑप्शन है, दीजिए अपना राइट आंसर, पढ़ लीजिए एक बार। ऑप्शन ए आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन दोस्तों क्या है, यह है एक जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो यहां पर आपके चार ऑप्शन है, दीजिए अपना राइट आंसर। ऑप्शन सी प्रतिरोधक, देखिए दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है, प्रतिरोधक नापा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है, यहां पर चार ऑप्शन है, पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। ऑप्शन डी हीरा, देखिए दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हीरा है जो दोस्तों एक प्रकार का तत्व है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों सार्स क्या है, ठीक है, सार्स क्या है दोस्तों ये आपको बताना है, यहां पर चार ऑप्शन है आपके, दीजिए राइट आंसर। ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, देखिए दोस्तों सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग है, ये एक प्रकार का रोग है दोस्तों सार्स, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, यहां पर चार ऑप्शन है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड, तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी बैक्टीरिया, देखिए दोस्तों जो दूध खट्टा होता है ना वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, वायरस के कारण नहीं होता, प्रोटोजोआ, ठीक है, इनके किसी के द्वारा नहीं होता, बैक्टीरिया के द्वारा होता है दूध का खट्टा होना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है चिड़िया, कोशिका संरचना, सी ऑप्शन है शरीर संरचना और वातावरण, और डी है तंतु, तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी शरीर संरचना और वातावरण, शरीर संरचना और वातावरण, दोस्तों इकोलॉजी बनती ऐसे है अपना पर्यावरण, दोस्तों जीव जंतु जो होते हैं उनका जो तालमेल होता है दोस्तों उससे दोस्तों इकोलॉजी बनती है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं, यहां पर आपके ऑप्शन है दोस्तों तिल्ली, वक्र, यकृत, अस्थि मज्जा, तो दीजिए अपना राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी अस्थि मज्जा, देखिए दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं हैं RBC, दोस्तों ये बनती है अस्थि मज्जा के अंदर, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आगे दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो यहां पर आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुपात बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी 3:2, देखिए दोस्तों लंबाई 3 है और हमारी झंडे की जो चौड़ाई है दोस्तों वो 2 है, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा 3:2, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है आपके 20 GK और साइंस के इंपॉर्टेंट। दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए दोस्तों, कुछ देर बाद ये अपीयर होता है तो वो बेल भी दबा ले। तो दोस्तों मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।